हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुखी, जय मंदवासिनी। सबसे पहले आज मंगलवार है, मेरी काड़ू देवी के नावाना चांग भले, मेरी विंध्यवासिनी के नाम से, मेरे बगलामुखी के नाम से जय माता दी, और मेरे धावजी पाटला के नाम से चांग भले। आज मंगलवार है, मैंने अभी तक मुर्गा छोड़ा नहीं था, तो जस्ट मेरी बेटी गई अब मुर्गा लेने, आज मुर्गा छोड़ेंगे क्योंकि आज मंगलवार का दिन है, काली माँ का दिन है। आज मैं माँ को जाके 51 नींबू का हार चढ़ाती हूँ, लेकिन आपको शायद याद होगा पिछले मंगलवार को मैं मंदिर गई थी काली माता का, जब काड़ूबाई गई थी अमावस्या के दिन, तो काड़ूबाई ने ये कहा था कि अगले मंगलवार तक कुछ तो ऐसा होगा जो असोचनीय होगा। आज सारे दुश्मनों के साथ कल से बैंड बजना चालू हो गई है, झमाझम बारिश हो रही है। बारिश के वक्त मेरा पूरा परिवार मेरे साथ है, मेरे तीनों बच्चे मेरे साथ है, मेरा केशव मेरे साथ है, मेरे केशव का पप्पा मेरे साथ है, ऊपर आराम से रूम में सोए हुए हैं। इसका मतलब माँ ने जिनको सज़ा देनी है उनका काम चालू कर दिया है और पूरे परिवार को एक जगह पे इकट्ठा कर दिया है, ऐसी बात है। देखिए, मैं दूसरों के जैसी नहीं हूँ कि बारिश हो रही है, पति सो रहा है तो चलो पति के साथ सोए पड़े रहो, हमें भी पूजा पाठ काम धंधा सब करना पड़ता है। हालांकि मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे केशव के पापा में थोड़ी सी अक्कल आई कि उन्हें लगा कि मेरे साथ उनको रहना चाहिए, तो वो रुके, मेरे साथ टाइम स्पेंड किए, मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ, हालांकि कुछ लोगों ने डिस्टर्ब करने की कोशिश की, लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते, पागलों की गिनती पागलों में होती है। ये सोचना चाहिए मैंने कभी डिस्टर्ब नहीं किया है, मैं इस तरह से कभी रात को 12:30-1 बजे फ़ोन करके डिस्टर्ब नहीं करती हूँ, लेकिन कल कुछ माहौल ही ऐसा था, उस माहौल में अगर कोई घंटी बजा रहा है तो ये बात तो सोचनी चाहिए कि इंसान काम पूरा होने के बाद ही फ़ोन उठाएगा ना। अभी अगर कोई इंसान किसी काम में लगा है तो कैसे फ़ोन उठाएगा, थोड़ी तो सेंस होनी चाहिए कि अगर एक मियाँ बीवी बेडरूम में होंगे तो वो कुछ तो प्यार की बातें कर रहे होंगे, फ़ोन कैसे उठाएंगे। छोड़िए, जाने दीजिए। दूसरी बात, आज माँ नवरात्रि के 7वें दिन, मेरे हिसाब से 7वां दिन है, लेकिन आप लोगों के हिसाब से 6वां दिन है। शुक्रवार को 8 जुलाई को माँ की नवरात्रि पूरी होगी, उसके पहले तक हम रहेंगे क्या बोलते हैं रेणुका यलमा माँ के मंदिर में। हाँ, कल मैंने वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि कल मेरा मूड नहीं था। अभी मैंने सोचा है, क्या होता है कभी कभी मेरा कुछ झगड़ा हो जाता है ना मेरे केशव के पापा से, तो मेरा मैं अनशन बोलने लग जाती थी, तो मैंने सोचा कि जिस दिन अगर ऐसा कुछ होगा तो मैं वीडियो ही नहीं बनाऊंगी, क्योंकि इसी कमज़ोरी का फ़ायदा बहुत सारे लोग उठाते हैं, तो बस नहीं। और मेरे झगड़े का फ़ायदा मुझे बहुत अच्छा मिलता है, देख रहे होंगे आज मैं कुछ ज़्यादा ही अच्छी लग रही हूँ। तो ये बातें होती हैं। और दूसरा, कल भी मुझे किसी ने मैसेज किया था, जैसे उसको उसकी प्रेमिका वापस चाहिए। ये चीज़ देखिए, आज महाकाली का दिन है, हम लोग जा रहे हैं, देखिए गुरु पूर्णिमा आ रही है, अमावस्या गई है, हमारे लिए मंगलवार, संडे और शुक्रवार ये बहुत बड़ा दिन रहता है, शनिवार का, जिस दिन हम लोगों के लिए पूजा करते हैं, लोगों के लिए दुश्मनों की पूजा करते हैं। आज दुश्मनों की पूजा होगी, बहुत अच्छे से होगी। अभी मसोबा जी को और मसोबा भगवान को और दाऊजी पाटिल को मुर्गा छोड़ा जाएगा। उसके बाद ये जो लोग मुझसे सवाल करते हैं ना यूट्यूब पे, क्या भूत भविष्य बताए, काम करो ना, मैं आपको 1.5 लाख नहीं 2 लाख डालूंगा, लेकिन अभी फ़िलहाल आप ये काम करो, 5-10 हज़ार डालता हूँ या 1500, आप मेरा भविष्य बताओ। पहली बात, एक बात बताओ, कल क्या खाना बनाया था उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है कि अभी क्या खाना बनाना है उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है? मैं क्या बनाया था भूत भविष्य में इंटरेस्ट नहीं रखती, मुझे खुद का भविष्य नहीं मालूम आधे घंटे बाद मेरे साथ क्या होने वाला है। हाँ, कुछ लोगों का भविष्य बताया है, जैसे 2023 में 2024 में होने वाला है, वो विधि का विधान है, जब हम इधर माँ की पूजा करने बैठते तो दिखता है, लेकिन वो होने वाला है, क्या हुआ है कैसे हुआ है वो सब हमको नहीं देखना है, वो भी हमको आता है, लेकिन हमको भूत भविष्य बताने में कोई इंटरेस्ट नहीं। हमारा इंटरेस्ट उसमें है कि आपका प्यार खो गया है, आपके प्यार ने का नंबर बंद ब्लॉक कर दिया है, आपको उसके पास लाना है, उसमें विद्या देवी सक्षम है, क्योंकि मैं कुक बहुत अच्छी हूँ, खाना भी बहुत अच्छे बनाती हूँ, और पूजे पाठ में भी इसी तरह से प्यार के मसाले मिक्स करके और मंत्रों के मसाले मिक्स करके अच्छे से मैं जानती हूँ किसको क्या करना है। मेरे में ये दम है कि मैं किसी को भी 24 घंटे में हॉस्पिटल पहुँचा सकती हूँ, और मेरे में ये दम है कि अच्छा खासा करोड़पति इंसान क्यों ना हो, उसको मैं 72 घंटे में भिखारी बनाने का दम रख सकती हूँ, लकवा मारने का दम रख सकती हूँ, सब कुछ कर सकती हूँ, वो हम करते हैं, हमारा ग्रुप इतना सक्षम है, समझ रहे हो। और आज मेरी काड़ूबाई ने ये साबित कर दिया, ये सिद्ध करके कि सारा परिवार मेरे घर में इस साइड है, बहुत ज़ोरों से बारिश हो रही, कल से बारिश रुकी नहीं है, तो आज मंगलवार का वो वादा पूरा करने वाली या वादा पूरा कर चुकी है, क्या कर चुकी है तो हमें बाद में पता चलेगा कि कहाँ पे क्या कांड हुआ है।
क्योंकि वो अपने वादे की पक्की हैं, ये बात है। उन्होंने भी मुझे कहा कि तेरी संतान होगी अच्छे से तो होगी, तो वो होगी। हालांकि ये लोग जब बहुत मुझे ज़्यादा बहुत टेंशन देते हैं या मैं बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करने लगती हूँ तो बच्चा बहुत बड़ा हो चुका है तो कभी कभी मुझे ज़्यादा टेंशन से ब्लडिंग की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। इसकी वजह से ही मैं केशव के पापा से लड़ाई करती हूँ कि मुझे ज़्यादा टेंशन मत दिया करो, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है, बच्चा बहुत बड़ा हो चुका है तो कभी कभी थोड़ी बहुत ही दिक्कत हो जाती है, क्योंकि मुझे ज़्यादा ट्रैवलिंग करना, ज़्यादा चलना सब मना है। तो भी मैं आप सबके लिए, अपने योम के लिए जाती हूँ। उसके बाद भी अगर कोई मुझ पर शक करता है तो ज़िंदगी की बहुत बड़ी गलती करता है, ये बात पक्की है। दूसरी बात, बहुत सारे जन मुझे पूछते हैं केशव कब आएगा, कब आएगा, क्यों आप लोग मुझे खर्चा देने आने वाले। वो आएगा, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, लेकिन वो आए नहीं आए वो मेरी और मेरी अब खुद की प्रॉब्लम है। मैंने आज तक अपने बच्चे के बाप को तक नहीं कहा कि वो बच्चे की जिम्मेदारी उठाए या करे, क्योंकि बच्चा मेरा, मैं सब कुछ, कभी मैंने उन्हें प्रेशर नहीं डाला। हाँ, मैं उन्हें रिश्ते में इसलिए बांध के रखती हूँ कि मैं उनसे प्यार करती हूँ, और जो टाइम हम बिता चुके उस टाइम के बिताने की वजह से ना वो मुझे छोड़ सकते हैं ना मैं उन्हें छोड़ूंगी। कल भी मैंने उनसे ये झगड़ा किया। आप ये बोलोगे कि बार बार बोलोगे छोड़ दे, बात करना बंद कर दे, ये कर दे, वो कर दे, तो मैं अब की बार ऐसा कुछ नहीं करूँगी। उल्टा अब की बार तो आपके घर आई थी, अब दूसरी बार आऊँगी तो कुछ नहीं करूँगी, चुपचाप घर में आऊँगी, जाके चुपचाप खाना वाना बना के आपको खिलाऊँगी। ना मुझे उस घर से कोई निकाल पाएगा ना कुछ, क्योंकि ये छोड़ने छुड़ाने की बात नहीं करती। मैं किसी के बीच में बोलती हूँ क्या, आप किसके साथ उठते हो बैठते हो क्या, हाँ कुछ बातें बुरी लगती है तो वो भी मैंने अब छोड़ दिया है। अब 50 बार फ़ोन करो, 10 बार फ़ोन करो, कुछ भी करो, मुझे कोई मतलब नहीं, मुझे मेरे प्रभु से मतलब है, बस, समझ रहे हो। और ये जो बार बार सबकी उंगली बटनों पे घूमती रहती है फ़ोन के, उनको देखने के लिए है ना, हाजिदा है, सुनीता है, स्नेहा है, ऐसा तो देखेंगे। आजकल क्या है ना, कुछ लोग दोस्तों की आड़ में गिदड़ का काम कर रहे हैं। आए 10 बार फ़ोन कर करके पूछेंगे किधर है, किधर है, किधर है, और किसी और को इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो एक बात इतना ही बोलूँगी, अभी तो बच्चा हॉस्पिटल गया है, खुद को भी हॉस्पिटल जाना है तो बता दो, या तो तुम्हारी बीवी भी तुम्हारे हाथ से छुड़वा दूँ तो बता दो, मैं कुछ नहीं करूँगी, कारोबारी अपना काम करेंगे। तो दूसरी बात, मैं इतना ही बोलूँगी कि मेरे हिसाब से आज माँ का 7वां दिन है, धूमावती का दिन है, लेकिन अगर आपके हिसाब से 6वां दिन है, कल मैंने वीडियो नहीं बनाई थी, तो 6ठे दिन की माँ त्रिपुर भैरवी की पूजा होती है। त्रिपुर भैरवी की पूजा कामाख्या में, कामाख्या के मंदिर से 500 किलोमीटर दूर पे त्रिपुर सुंदरी की मंदिर है, हेलीकॉप्टर से जाना पड़ता है, अंदर मंदिर है, वहाँ पर दर्शन होते हैं। ये माँ का दर्शन जो भी कर लेता है, एक इंसान सुंदरता का रूप पाता है, राजपथ के योग पाता है और सब कुछ। कामाख्या का भी सब लोग जो झूठ मानते हैं, भी आपने देखा होगा, जैसे हमारे एक जन गए थे मुख्यमंत्री के पद पर, वो कामाख्या माँ को मत्था ही टेक के आए थे, क्योंकि अंबुज का मेला चालू है। कामाख्या की शक्ति वही जान पाएगा जो उसकी पूजा करता है, जो जानता है, खास करके नेता, राजपद, ये लोग बहुत इस चीज़ों को मानते हैं, समझ गए, क्योंकि ये चीज़ें होती हैं। अभी मैंने जैसे बताया ना, कामाख्या राजराजेश्वरी शंभु शक्ति, सब लेने में बहुत दिक्कत होती है, सबको डर लगता है, लेकिन नहीं, अगर आप करेंगे तो बहुत ही अच्छा फल मिलता है। कितनों को चाहिए कि अगर हमें पता चले कि हमारा दुश्मन आज हमारे पीछे कौन है, तो देखिए मैं ऐसा बड़ी बात तो भगवान बनने की कोशिश नहीं कर रही हूँ। बोलूँगी एक नींबू लीजिए, उस पर त्रिशूल बनाइए, काड़ूबाई का नाम लीजिए, धावजी पाटिल का नाम लीजिए और मेरा नाम लीजिए कि हे विद्या माँ के जरिए, विद्या माँ के विश्वास पे, काड़ूबाई, धावजी पाटिल, अगर हमारे पीछे कोई दुश्मन हो तो हमको सपने में उसकी शक्ल दिखाओ, आपको ज़रूर दिखेगी। इतना मुझे अपने पूजे पे तो भरोसा है और अपनी माँ पे भरोसा है। दूसरा कि और जो ये लोग सब लोग बोलते हैं शक्तियों के लिए, आज की तारीख में सुल्तान जिनकी शक्ति सबसे ज़्यादा पावर में है, करिश्मा परी की, हाजी मस्तान की, सुल्तान जिनकी शक्ति तो आप सब देख रहे हैं कि हम सिर्फ आवाहन करते हैं कि बारिश चाहिए तो बारिश आती है, पूरे साल बारिश है, फिर भी सब बोलते हैं ऐसा कैसे हो जाता है। ये तो मेरा मान रखने वाले भगवान की मेरा आशीर्वाद है, अगर मैं चाहती हूँ और वो करते हैं तो बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है, हम लोगों ने बहुत चीज़ें अच्छी की हैं। तो सुल्तान जी की शक्ति सिर्फ आपको पावर ही नहीं देता है, पैसा भी देता है, बहुत कम दिनों में आपका कर्जा ख़त्म कर देता है, आपका खोया हुआ प्यार आपको लाके देगा, आपको पैसों से मालामाल करेगा। मैंने देखा है अब तक जितने लोगों ने सुल्तान जी की शक्तियाँ ली है ना, उन सबको कोई पैसों की कमी नहीं है, दुश्मन उन लोग के आगे आँख उठा के नहीं देख पाते, कोई नहीं। कल मेरे केशव के पापा को भी आभास हुआ कि उनके पीछे पीछे कोई चल रहा था, मुझे अब भी पता चला, आज मंगलवार है ना, मेरी काड़ूबाई ने कल से ही धावजी पाटिल को उनके पीछे छोड़ दिया और उनको सीधा इस घर में रख दिया, अभी तक वो सो रहे बहुत अच्छे से। मैंने 2-4 बार जाके उठाया कि उठो उठो, तो वो बोलते नहीं मुझे सोना है, उनको सोने दीजिए, शायद उनके सोने तक माँ उनको सेफ रखना चाहती है, और बाहर जिन लोग की बैंड बजाना है उनकी बैंड बजाना चाहती है। तो बस
क्योंकि देखो दामाद सास को बहुत प्यारा होता है, और मेरी काड़ू बाई के, मेरी विंध्यवासिनी का तो यही दामाद है, कहते केशव को पापा को मुझसे ज़्यादा तो वो प्यार करती है। तो बस वेट एंड वॉच, मुझे बस नज़ारा देखना है कि बाहर का नज़ारा क्या है, और जो लोग बिगाड़ने को देख रहे हैं उनके साथ क्या होता है। और दूसरी बात, किसी भी शक्ति चाहिए कामाख्या त्रिपुर से अभी लेना बहुत अच्छा है। गुरु पूर्णिमा आ रही है, हर साल मैं गुरु पूर्णिमा को सबको दीक्षा देती हूँ, गुरु पूर्णिमा का मंत्र देती हूँ, लेकिन मैं आज ये बोलती हूँ अगर सच में गुरु पूर्णिमा को मंत्र चाहिए, शिक्षा चाहिए, तो कोई भी शक्ति लीजिए। मेरे पास, मैंने आज से ही किया है। अभी सब लोग कहते हैं कि माँ कोई कम से कम बजट की शक्ति दो ना, हमें भी काम है। तो मैं ये बात ज़रूर बोलूँगी कि खास करके लेडीज़ लोग के लिए कि 21,000 से लेकर 50,000 तक के में बजट के अंदर मैं उन्हें सुल्तान जीन, करिश्मा परी, कामाख्या की शक्ति दे दूँगी, सिर्फ ये गुरु पूर्णिमा तक। गुरु पूर्णिमा के बाद फिर उनका वही प्राइस जाएगा। सिर्फ ये औरतों के लिए, आदमियों के लिए नहीं है, क्योंकि औरतें नारी शक्ति को आगे बढ़ाना है। कामाख्या त्रिपुर सुंदरी की शक्ति भी आराम से 21,000 से 50,000 के अंदर आ जाएगी। कोई भी शक्ति लीजिए, बगला मुखी की शक्ति लीजिए या कोई भी, आपको आराम से मिल जाएगी। सुल्तान जीन बहुत ही पावर है, उसका कम से कम 1.5 से 2 लाख का खर्चा है, क्योंकि उसके लिए ही हम लोग को बहुत सारे मंत्र करने पड़ते हैं, उसको सिद्ध करना पड़ता है। अभी आपके लिए, आपके रूप में उसको सिद्ध करना पड़ता है, एक हमजात के जैसा सिद्ध होता है, आपके बेटे के रूप में या आपके दोस्त के रूप में या कोई भी रूप में करके देते हैं। करिश्मा परी को प्रेमिका के ऐसे रूप में करके देते हैं जिससे कि वो आपका काम करे। अभी हाल ही में हमने एक जन का काम किया था, उसकी प्रेमिका उसको छोड़ के चली गई थी, लेकिन वो आ गई, लेकिन उसके बाद उसने आज तक हमसे कांटेक्ट किया नहीं है। कोई बात नहीं, जब उसकी प्रेमिका वापस उसको हमेशा के लिए छोड़ के चली जाएगी तो हमारे पास आ जाएगी, क्योंकि मुझे बनाना बिगाड़ना बहुत अच्छी तरह से आता है। तो बस देखिए आपका नसीब आपके साथ, क्या और कैसे होता है सब सामने आएगा, ये बात तो पक्की है। लेकिन शक्तियाँ लेने का इस वक्त बहुत टाइम है। व्हाट्सअप पे कांटेक्ट कीजिए, मेरा नंबर है 9004419917 पे कांटेक्ट कीजिए। कैसा भी दुश्मन का काम हो, कुछ भी हो, आप दीजिए, हम करके देंगे, समझ रहे हो। और आपको सिर्फ व्हाट्सअप पे आपका नाम, फोटो, एड्रेस भेजना है, खर्चा भी हम आपका काम पूरा करके दे देंगे। दूसरा, आज मंगलवार है तो आप नींबू का हार चढ़ाइए माँ को, काली माँ को नींबू का हार चढ़ाने से वो बहुत जल्दी खुश होते हैं। लाल कलर का फूल चढ़ाइए, ज़्यादा तो नहीं, लेकिन मंगलवार शनिवार जरूर कीजिए। इस अगर 5 मंगलवार भी आपने कर लिया या 5 शनिवार, तो आपके दिल की जो भी इच्छा हो पूरी हो जाएगी। बाकी आज त्रिपुर भैरवी का, आपके हिसाब से त्रिपुर भैरवी का दिन है, तो उसके लिए उनका मंत्र है हस्से हस कलरी हस्से, मैं नीचे लिख दूँगी, बोलने नहीं जमेगा तो भी बोल रही हूँ, हस्से हस कलरी हस्से। और आज मेरे हिसाब से धूमावती माँ का दिन है। धूमावती माँ कहते ना, उनका आसन ही कौवे का है, ऐसा वो सफ़ेद साड़ी में रहती है, इसलिए औरतें उनका जाप नहीं है, लेकिन तो भी जो भी कहते हैं ना, जिसको बच्चा नहीं, कुछ भी नहीं, अगर उनकी मन्नत जल्दी इंसान की गोद हरी होती है, उनका मंत्र है धू धूमावते ठ ठ। लेकिन इनका मंत्र बहुत सोच समझ के करें, जिसने भी इनका मंत्र किया है उनके घर में झगड़ा झंझट हुआ ही हुआ है, ऐसी बात है। तो बस हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, बिल्कुल ना भूलें। जय माँ बगला मुखी, जय जयंदवासी।